संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन नरेंद्र मोदी सरकार ने दोनों सदनों में तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने का कृषि कानूनों का निरस्तीकरण विधेयक 2021 पारित कर दिया है। इस बीच दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि एक साल से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा कृषि कानून विरोधी धरना प्रदर्शन इसी सप्ताह खत्म हो सकता है। सरकार ने जिस तरह तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कराया, उससे अब आंदोलनकारी भी घर वापसी की तैयारी में हैं। इसका इशारा भी मिलने लगा है। सोमवार को आंदोलनकारियों द्वारा टिकटी बॉर्डर पर कई जगह से तंबू हटाए गए और अब वे घर वापसी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कुंडली बॉर्डर पर पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 4 को नहीं 1 दिसंबर को होगी। पंजाब के किसान नेता परगट सिंह ने कहा कि अब जल्द ही घर वापसी करेंगे। सरकार ने जिस तरह से कानून वापसी का प्रस्ताव पारित कराया है, ये आजाद भारत के इतिहास का पहला मौका है। सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं। पंजाब के अन्य किसान नेता अमरीक सिंह ने कहा कि हम जो संकल्प लेकर आए थे वह पूरा हो गया है, जल्द ही हम घर वापसी करेंगे।